नमस्कार, मैं हूं अरबाज शेख और आप देख रहे हैं एसआर लाइव निमाड़ न्यूज। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संविदा कर्मियों की हड़ताल के चलते अस्पतालों की सेवाएं प्रभावित। रहीमपुरा के नागरिकों ने स्थायी पट्टे की मांग को लेकर नगरपालिका में मचाया हंगामा। मुस्लिम समाज के सामूहिक विवाह आयोजन में दूल्हों को भेंट स्वरूप हेलमेट दिए। नगरपालिका अमला जुटा बकायादारों से वसूली की तैयारियों में। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार से नियमितीकरण, संविदा नियुक्ति सहित अनेक मांगों के लिए लगाई गई गुहार बेअसर होते देखकर कर्मचारी नाराज हैं। इसके खिलाफ सोमवार से स्वास्थ्य कर्मियों और अतिथि शिक्षकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। खरगोन में भी आंदोलनकारियों ने शिवराज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने 19 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। CHMO कार्यालय परिसर में जिले भर के स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी जमा हुए और धरना दिया। इसके पूर्व हड़ताली कर्मचारी गणेश मंदिर पहुंचे और प्रशासन और सरकार को सद्बुद्धि देने का ज्ञापन सिद्धि विनायक गणेश की मूर्ति के सामने रखा। संविदा कर्मचारी प्रदेश भर में प्रदेश का स्तर से जो गाइडलाइन मिली उस हिसाब से हम लोग आज से हड़ताल पे, और मेन मुद्दा हम लोग नियमितीकरण है। साथ में जो शासन की जो नीतियां चल रही है, जो HR पॉलिसी बना रही है, वो संविदा के हित में नहीं है। संविदा कर्मचारियों का उसमें शोषण किया जा रहा है, कम वेतन में हम लोग अत्यधिक काम करते हैं और नियमितीकरण हमारी मेन मांग है। आज हम लोगों ने गणेश मंदिर, सिद्धिविनायक मंदिर जी को ज्ञापन दे के भगवान से कामना करी है कि वो प्रशासन, शिवराज सिंह चौहान सरकार मामा को वो सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि वो हम लोगों की तरफ भी देखे। हम लोग भी उनके भांजा भांजी है, हम लोगों के ऊपर भी वो नजर रखे कि संविदा कर्मचारी किस तरह शोषित हो रहा है। और भगवान से हम लोगों ने विनती करी है कि शासन प्रशासन को वो सद्बुद्धि प्रदान करे। खरगोन शहर के वार्ड क्रमांक 33 रहीमपुरा के बाशिंदों ने आवासीय भूखंडों के स्थायी पट्टे दिए जाने की मांग की है। सोमवार को नगरपालिका पहुंचकर अधिकारियों से तलख लहजे में बहस की। रहीमपुरा में लगभग 200 परिवार ऐसे हैं जिन्हें अभी तक आवासीय पट्टे नहीं दिए गए हैं। रहीमपुरा वार्ड के बाशिंदों ने स्थायी पट्टों की मांग को लेकर 19 फरवरी को नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया। क्षेत्रवासियों के साथ वार्ड की पार्षद नीलाबाई सावले मौजूद थी। क्षेत्रवासियों ने बताया कि वहां वर्षों पहले रहने वालों को स्थायी पट्टे नहीं देते हुए एक दो वर्ष पहले आए लोगों को पट्टे बांट दिए। इस दौरान क्षेत्र के लोगों से पार्षद की कहासुनी भी हुई। लगभग आधे घंटे चले हंगामे के बाद नगर पालिका के एक छोटे कर्मचारी को आवेदन सौंपे गए। मतलब पुराने वाले उनको नहीं मिला, कुटी तक मिल गया, उसका सब सर्वे नाम भी आ गया, सब आ गया, कुटी भी मिल गया और इंदिरा आवास भी मिल गया, इंदिरा आवास भी मिल गया, प्रधानमंत्री आवास भी मिल गया, दो दो बार की कुटिया मिल गई। अभी ग्रामीण पहली जैसे ग्रामीण क्षेत्र में थे उनको जब भी मिल गई और अभी भी मिल गई, उनका सर्वे भी नाम है। ऐसा थोड़ी होता है कल आने वाले को मतलब पट्टा कुटी सब आज कितने लोगों ने आवेदन दिया? 40-50 लोग आए, ज्यादा है, 200। गाड़ी चलाते समय हेलमेट लगाना भूल गए या घर पर छोड़ा है, ऐसी भूल शायद ये दूल्हे ना करेंगे। हम बात कर रहे हैं मुस्लिम समाज के सामूहिक विवाह में शामिल हुए उन 41 दूल्हों की, जिन्हें विवाह के बाद जीवन साथी और जीवन रक्षक एक ही मंडप में साथ साथ मिले। विवाह समिति ने सभी दूल्हों को उपहार में हेलमेट भेंट किए। अपने विवाह की ये भेंट सिर पर सजाना ये कभी नहीं भूलेंगे। बढ़ती दुर्घटनाओं के साथ ही सुरक्षा को लेकर जागरूकता भी बढ़ती जा रही है। होने वाले विवाह समारोह में उपहार स्वरूप घरेलू उपयोग की वस्तुओं के साथ ही हेलमेट भी दिए जाने लगे। ऐसे ही उपहार में दूल्हों को खरगोन में हुए मुस्लिम समाज के सामूहिक विवाह आयोजन में हेलमेट प्रदान किए। कमेटी ने इस वर्ष हेलमेट प्रदान किए हैं ताकि वाहन चलाते समय इनकी सुरक्षा की जाए दूल्हों की, और हमेशा इन्हें ध्यान रहे कि भाई वाहन चलाए तो हेलमेट का इस्तेमाल करें, इसलिए हेलमेट कमेटी द्वारा दिए जा रहा है। क्या नाम है आपको? मोहम्मद इमरान खान, सचिव विकास कमेटी। हायर सेकेंडरी मैदान के पीछे संपन्न हुए इस वृहद सामूहिक विवाह समारोह में 41 जोड़े हमराह बने। परिजनों ने भीगी आंखों से दुल्हन बनी बेटी को विदा किया। आयोजन में आसपास के सभी जिलों के समाजजनों ने शिरकत की। हेला समाज पिछले 5 वर्षों से सफल आयोजन कर रहा है, जिसमें
इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, उज्जैन जिला, खरगोन जिला और बड़वानी जिला, खंडवा जिला, इनका यहाँ से कन्याएं आती है और उनका विवाह सामूहिक रूप से किया जा रहा है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत। और ये बहुत गरीब तबका है, सफाई कर्मचारी है सारे लेला समाज के, तो कन्याएं उनके ऊपर भार ना पड़े समाज के ऊपर, इस कारण हम पिछले 5 वर्षों से एक सफल आयोजन करवा रहे हैं। इस वर्ष भी 41 जोड़े निकाय के सूत्र में बंधेंगे और इसमें विकलांग कई दिव्यांग जोड़े भी है जो कि शासन की जो योजना है उनका लाभ दिलाने के लिए कमेटी प्रयासरत है और प्रयास करे जाएंगे और जो अभी कन्यादान योजना के लाभ है वो तो दिलाया जा रहा है इनको। नगर पालिका खरगोन जल्द ही बड़े बकायेदारों के नाम सरेआम करने जा रही है। राजस्व वसूली के लिए इस बार कड़े कदम उठाए जाने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले ही नगर पालिका अपना खजाना भरने की तैयारियों में लग गई है। संपत्ति कर, जल कर, लीज दुकान किराया आदि के बड़े बकायेदारों से वसूली करने के लिए फाइलों पर जमी धूल हटा रही है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका अपने 2000 से अधिक बकायेदारों से सख्ती से वसूली करेगी। वसूली नहीं होने पर बकायेदारों के नामों का सार्वजनिक प्रकाशन किया जाएगा। नगर पालिका राजस्व विभाग द्वारा वित्तीय समाप्ति के पूर्व हमारे जो जलकर, संपत्ति कर, लीज दुकान किराए के बड़े बकायेदार थे 2854 जिनके प्रकरण हमने लोक अदालत में विगत लोक अदालत में लगाए थे, उसमें जो 715 करदाताओं ने अपने कर की राशि जमा कर दी है, शेष बकायेदारों के विरुद्ध हमने सख्ती से वसूली करने हेतु संबंधितों के नाम वारंट, वसूली वारंट जारी किए जाने की कार्रवाई की जा रही है और वसूली टीमों के माध्यम से हम वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व 100% वसूली करने की कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, उनका नाम प्रतिवर्ष हम प्रकाशित करते हैं शासन निर्देशों के पालन में, हमारे द्वारा इस वर्ष भी उनका प्रकाशन, बड़े बकायेदारों का प्रकाशन किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। अरे वाह, कितना सुंदर घर है, ये ग्रेनाइट कहाँ से मंगवाया? शिव साई मार्बल्स एंड स्टोन से। और ये ग्लेज टाइल्स और ये विट्रीफाइड, ये भी शिव साई मार्बल्स एंड स्टोन से। और ये बड़ौदा ग्रीन और ये मार्बल, अरे ये भी वहीं से। और ये स्कॉटिंग, ये कहाँ से लिया? अरे ये भी शिव साई मार्बल्स एंड स्टोन से ही लिया है। शिव साई मार्बल एंड स्टोन खरगोन में, पर कीमत और भरोसा? अरे शिव साई मार्बल्स एंड स्टोन्स खरगोन शहर का सबसे विश्वसनीय स्थान है, जहां एक ही छत के नीचे कोटा स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, बड़ौदा ग्रीन, ग्लेज टाइल्स, विट्रीफाइड, वॉश बेसिन, टॉयलेट शीट, स्कॉटिंग, टप्पे, राइजर, ब्लॉक और मिरर भी बहुत ही वाजिब दामों पर भरोसे के साथ मिलते हैं। मात्र 10,000 रूपए से ऊपर की नगद खरीदी पर प्रथम पुरस्कार आप पाएंगे मारुति अल्टो, द्वितीय पुरस्कार हीरो डिलक्स मोटरसाइकिल, तृतीय पुरस्कार टीवीएस हैवी ड्यूटी, इसके अलावा एलसीडी, साइकिल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल और ढेरों सांत्वना उपहार भी, और साथ ही 1 टन से अधिक की खरीदी पर थोक भाव के साथ खरगोन शहर वासियों के लिए भाड़ा भी फ्री है। शिवसाई मार्बल्स एंड स्टोन, एचपी पेट्रोल पंप, मनीष मार्केट के सामने, डालकी पुल के पास, कसरावद रोड, खरगोन। संपर्क करें कमल यादव, कॉन्टेक्ट नंबर्स 9993355465। वेदांश ट्रेवल्स 9 वर्ष में आपको दे रहे हैं तीर्थ यात्रा करने का स्वर्णिम अवसर, जिसमें मां नर्मदा परिक्रमा, ओंकारेश्वर, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर, द्वारका, अमरकंटक, चित्रकूट, पूर्व किराया 12,000, अब मात्र 10,000 में, यात्रा समय 20 से 25 दिन, प्रस्थान 26 फरवरी 2018, एक धाम यात्रा
बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश। पूर्व किराया 17,000, अब मात्र 15,000 में। यात्रा समय 22 से 25 दिन। प्रस्थान 12 अप्रैल 2018। यात्रा के दौरान प्रति रात्रि को भागवत कथा का रसपान होगा। साथ ही रात्रि में बस नहीं चलती है, जिससे आपकी यात्रा आरामदायक रहती है। तो आज ही अपनी सीट बुक करवाएं, इस छूट का फायदा उठाइए। वेदांश ट्रेवल्स, पंडा सचिन, मोबाइल नंबर 9479463370, 7999 6155773।